चांद तू अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, रब्बी ए मेरे रब, इरहमहुमा, तू इन दोनों पर इस तरह रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि इन दोनों ने मेरे बचपने में मुझ पर रहम फरमाया। बेशक क्या कहने हैं, बहुत अच्छे सुभान। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इंसान को हुक्म दे रहा है, ए इंसान कुल, तू अपने रब की बारगाह में अर्ज कर, अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर, रब्बी ए मेरे रब, इरहमहुमा, तू इन दोनों पर रहम फरमा। दोनों कौन? यानी माँ पर भी और बाप पर भी। ए अल्लाह तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि मेरे बचपने में मेरे छुटपन में इन्होंने मुझ पर रहम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें हमारे रब ने खुद हुक्म दिया है कि हम अपने रब से दुआएं करें, ए अल्लाह तू हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह के हमारे बचपने में उन्होंने हम पर रहम किया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये दुआ माँ बाप जिंदा हो तब भी करनी चाहिए, उनकी जिंदगी में उनकी सलामती की दुआ होनी चाहिए, उनकी सेहत की दुआ होनी चाहिए, उनके अच्छे रहने की दुआएं होनी चाहिए, और उनके इंतकाल के बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआ होनी चाहिए। जब वो जिंदा हो तब भी हम अल्लाह से दुआएं करें, ए अल्लाह तू अपना फजल इन पर नाजिल फरमा, ए अल्लाह तू अपना रहम इन पर नाजिल फरमा, और जब वो कब्र में हो तब भी हम उनके लिए दुआएं करें, ए अल्लाह तू इन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा, ए अल्लाह तू इन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, अल्लाह तू इनकी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। तो ये दुआ जो अल्लाह ने हमें खुद सिखाई है, बेशक, कि हम अपने रब से अर्ज करें, अपने रब से दुआएं करें, इस ये जो आयत मुबारका है, अगर इससे पहले की के अल्फाज आप पढ़ेंगे, इस आयत मुबारका का ये आखिर है, अगर आप शुरू से पढ़ते लाएं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकवा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ उसी की जाएगी, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। बेशक इम्मा यबलुगन इंदकल किबवा अहदुहुमा व किलाहुमा, अगर तुम्हारे सामने उन दोनों में से एक या दोनों, यानी माँ बाप दोनों या दोनों में से एक अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उनसे ऊह भी ना कहो, बेशक, वला तनहरहुमा, उन्हें छिड़को मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे इज्जत वाली बात करो, वख्फिद लहुमा जनाहज़ ज़ुल्ली मिनर रहमा, और आजजी के बाजू नरमी के साथ उनके सामने बिछा दो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, ए अल्लाह तू हमारे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जिस तरह के हमारे बचपने में उन्होंने हम पर रहम फरमा। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है, बहुत अच्छे। बड़ी तफसील के साथ में वालिदैन के ताल्लुक से इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उनके साथ में अच्छा सुलूक करो, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ में अच्छा मामला पेश कर, अच्छे मामले के साथ पेश आओ, और अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, अगर वो अपनी कमजोरी को पहुंच जाए, तो उनसे हूं भी मत कहो, यानी कोई ऐसा लफ्ज भी अपनी जबान से मत निकालो जिसका माना ये हो कि उनका बोलना तुम्हें भारी पड़ता है, उनका काम आना तुम्हें भारी पड़ता है, और उन्हें छिड़को मत, उनसे सख्ती से बात मत करो, बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो जिन अल्फाज में ताज़ीम छलकती हो, जिनसे उनका अदब आता हो, ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए, और अपने बाज़ुओं को हमेशा नरमी के साथ झुका कर रखना चाहिए, और अपने रब से दुआएं करते रहना चाहिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ बेहतर मामला करने के साथ साथ
जो दुआ करने का हुक्म दिया है, इसका मतलब यह है कि इंसान कितनी भी खिदमत क्यों ना कर ले, वालिदैन के साथ कितना भी अच्छा सुलूक क्यों ना कर ले, उनका उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। तो जब इंसान अपने वालिदैन के एहसान का बदला नहीं चुका सकता तो वो अपने रब की बारगाह में अरीसा पेश करे, ए अल्लाह मैं अपने वालिदैन के एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन तू अपना करम फरमा दे तो जरूर बदला बन सकता। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह बहुत अच्छे। सरकार ने इशारा फरमाया वालिदैन की रिजामंदी में रब की रिजा है, अगर माँ बाप राजी तो रब भी राजी, और अगर माँ बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। तो जब तक वो जिंदा रहे उनकी खिदमत की जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उनको छिड़का ना जाए, उनको डांटा ना जाए, उनके साथ में अच्छा मामला किया जाए, और उनसे जब गुफ्तगू की जाए तो अंदाज ये होना चाहिए जैसा कि एक खादिम अपने आका से गुफ्तगू करता है, जिस तरह का एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, इसी तरह एक औलाद को अपने माँ बाप से गुफ्तगू करनी चाहिए। ये नहीं कि आजकल हमारे हमारे नौजवानों में शऊर नहीं है, हमारे नौजवान छिड़क कर बात करते हैं, गुस्से में उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे किसी खादिम से एक आका बात कर रहा है, हमने मामले को उलट दिया है। याद रखिए, अगर माँ बाप नाराज होंगे तो रब राजी नहीं हो सकता, अगर माँ बाप राजी होंगे तभी रब राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सदरुल्लाह फाजिल ने एक हदीस को नकल किया इस आयत मुबारका के हाशिए में, सदरुल्लाह फाजिल फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी होंगे वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा, और जिससे माँ बाप नाराज होंगे वो कभी जन्नत में दाखिल आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद में उनके लिए दुआएं करना चाहिए, उनके लिए कोई भी नेक काम करके उसका सवाब आप किसी भी मोमिन को पहुँचा सकते हैं, और ये दुआएं करना ये अंबियाए किराम का तरीका है। आप कुरान करीम का जब मुताला करेंगे तो आपको मिलेगी सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम की दुआ का जिक्र किया है। हजरत इब्राहिम ने अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बना गफिल्ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को। सुभान अल्लाह क्या कहने हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब देखें आप हजरत इब्राहिम क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। हम सुन्नियों का भी यही मामला रहता है, जब भी हम दुआएं करते हैं वो तीजा हो, वो दसवां हो या बीसवां हो या चालीसवां हो या किसी भी मौके पर जब हम दुआएं करते हैं तो हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम मोमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सूरह नूह पढ़ेंगे, सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहि सलातु व तस्लीम की दुआ का जिक्र किया है। हजरत नूह अलैहि सलातु व तस्लीम ने अपनी रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। हजरत नूह अलैहि सलातु व तस्लीम ने अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, रब्बिग़फिरली ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को बख्श दे, वली मन दखला बैतिया मुमिना और जो भी मेरे घर में हालत ईमान के साथ में है उसे भी बख्श दे, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात और तमाम मोमिनीन को बख्श दे और तमाम मोमिनात सुभानअल्लाह। ये दुआएं करना कोई नाजायज नहीं है बल्कि ये अंबियाए किराम का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان। अल्लाह ने इरशाद फरमाया والذين جاءوا من بعدهم और वो जो उनके बाद आए, यकूलून वो कहते हैं, रब्बना اغفر لنا ए अल्लाह हमें बख्श दे, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके। سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اس کے لیے کجی پیدا مت کرنا جو ایمان لا چکا ہے اور بے شک تو ہی بڑا رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
वो लोग जो उनके बाद आए। यकूलून वो कहते हैं रब्बना अग़फिर लना, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। सुभान अल्लाह।